हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी आरक्षण को लेकर अनेकों सवालात खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट का निर्णय भी आरक्षण को लेकर आया हुआ है। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी सबका अपना अपना एक पक्ष आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य माध्यम से। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वास्तव में क्या आरक्षण होने वाला है, क्या शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से आरक्षण के वजह से फंस सकता है, तमाम ऐसे सवालात हैं जो कि बनते नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नेताओं की भी अपनी एक अलग व्यक्तित्व, अलग जो कहना चाहिए उनकी बातचीत है, उनकी जो आरक्षण के मुद्दे पर क्या सोच है, देखिए। तो 50% आरक्षण का सिद्धांत ये तो लागू था, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 68% तक आरक्षण है। आरक्षण को तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अन्य राज्यों में उन्होंने इसको बढ़ा के आरक्षण को रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार दे दिया। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16% अनुसूचित जाति के लोग थे, एससी समाज के लोग थे, और 20% एसटी समाज के लोग थे। तो उन्होंने उस आधार पर आरक्षण दे दिया। जब आज छत्तीसगढ़ बना है तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 12% हमारे एससी समाज के होते हैं, उनको ज़्यादा मिल गया। अब 13% हैं, उनको 16% मिल गया। ये भी संविधान के विपरीत है। और ट्राइबल समाज जो हमारे यहाँ 32% है, उनका 20% हो गया। तो ये एकदम ही गलत हो गया। तो मैं हाई कोर्ट के इस निर्णय से एकदम सहमत नहीं हूँ। तो देखिए दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल जी का आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या बयान सामने आ रहा है। दोस्तों, इसमें आपका टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी दोनों का अपना अपना अलग मत था, जिसमें अभी हमने छोटा सा क्लिप सुना टीएस बाबा जी का। उसके बाद में इस क्लिप को सुनिए जिसमें भूपेश बघेल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड पहले क्लियर करे। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है कि जो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को जो सुविधाएं दी गई है वो मिलना ही चाहिए, इसके पक्षधर हैं। मंडल कमीशन ने जो अनुशंसाएँ की है वो लागू होना चाहिए। लोकसभा में जो पारित हुआ है EWS के लिए वो लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे आरक्षण के मामले में। वो क्या कहते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से सवाल पूछा था तो बताया नहीं। हमारा स्टैंड क्लियर है और हम लड़ रहे हैं, वो तो लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। यदि 2011 में यदि वो लागू किए थे और उसके लिए यदि कोर्ट को गए तो कोर्ट में यदि ननकी राम कंवर कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट कर देते, CS साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट को सबमिट कर देते तो ये स्थिति निर्मित होती क्या? आज जो स्थिति निर्मित हुई है उसके लिए जिम्मेदार कोई है? तो पिछली सरकार भारतीय